हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सोशल स्ट्रक्चर। मेरे दोस्तों, सोशल स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है। बहुत से कमेंट्स ऐसे पाए हैं, ईमेल्स मैंने ऐसी पाई हैं जिसमें बच्चों ने सोशल स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाए। इसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करी है, बहुत दिनों से इनफैक्ट वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो इसलिए मैंने आज टाइम निकाल के सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर लॉ एंड सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनाता हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमारी सोसाइटी में हमें पता है, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी बहुत बड़ी टर्म है। जैसे कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है, सोसाइटी इज नॉट अ नैरो टर्म, इट इज़ अ वेरी वाइडर टर्म। इन द सोसाइटी वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस एंड वी डू द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी दीज ऑल थिंग्स इन द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये दोनों कंसेप्ट जो हैं वो आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले कंसेप्ट हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से लिंक करते हैं। अगर हमने एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है मेरे दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक अंडरस्टैंड करना बहुत अनिवार्य है। क्या होता है फंक्शनलिज्म, क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर, आगे आएंगे, मीनिंग में बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल आप इंट्रोडक्शन सुनिए, जो आप इंट्रोडक्शन में बातें लिख सकते हो। आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि हम सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, सोसाइटी बहुत बड़ी टर्म है, सोसाइटी में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, जिन सभी चीज़ों का अध्ययन सोशियोलॉजी में किया जाता है। अगर मैं हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की एंड फंक्शनलिज्म की, दिस टू बोथ कंसेप्ट्स आर कम्प्लीमेंट्री इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। दिस बोथ कंसेप्ट्स कैन बी स्टडीड टुगेदर। इफ वी want to get knowledge of one concept, we have to get knowledge of other concept। ये सारी बातें आप लिखोगे। इसके बाद आप आगे लिखोगे कि in this concept social structure and functionalism, these both concepts became very popular in the study of sociology also after the study after the work of Herbert Spencer and Émile Durkheim। इन दो सोशलोजिस्ट के काम करने के बाद, आफ्टर द वर्क ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमाइल दुर्खेम, द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म गोट मोर पॉपुलैरिटी। दिस बोथ कंसेप्ट्स गोट मोर पॉपुलैरिटी आफ्टर द वर्क ऑफ दिस टू सोशलोजिस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें एक थ्योरी दी है जिसका नाम है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी इसने क्या किया है, मैंने आपको ओरिजिन ऑफ सोसाइटी में भी थ्योरी बताई थी, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, उसके सपोर्टर हैं ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी के। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी हमारे हर्बर्ट स्पेंसर जी क्या बोलते हैं कि भाई जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी जो है वो एक स्ट्रक्चर की बनती है, एक ऑर्गेनिज्म की बनती है। हमारे हर्बर्ट स्पेंसर क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का जो ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है, उसको सोसाइटी के साथ कंपेयर करते हैं, एंड व्हाट द हर्बर्ट स्पेंसर सेज दैट एज द ह्यूमन बॉडी, एज द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैज वेरियस इंटररिलेटेड पार्ट्स सच एज हेड, सच एज हार्ट, सच एज लिम्स, and in the same manner society has also different parts such as religion, such as family, such as state। तो जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उस तरह से सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही सोसाइटी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सोसाइटी बहुत बड़ी है, उसका पार्ट एसोसिएशन है, वो अलग से फंक्शन परफॉर्म करता है। सोसाइटी में रोल पाया जाता है लोगों का, वो अलग से फंक्शन परफॉर्म करता है। सोसाइटी में स्टेटस होता है सभी लोगों का, वो स्टेटस के हिसाब से उसके अलग से फंक्शन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अलग से फंक्शन है, कल्चर सोसाइटी का पार्ट है, उसका अलग से फंक्शन है। तो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर की ने ये जो अप्रोच दी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, इसके बाद सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शनलिज्म दोनों कंसेप्ट को बहुत महत्वता मिल गई है। आई होप आप ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे और आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी आप इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। अभी आइए हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है और इसमें आप क्या क्या बातें लिखोगे, कंसेप्ट क्या है सोशल स्ट्रक्चर का। सोशल स्ट्रक्चर मीनिंग कॉन्सेप्ट। मेरे दोस्तों अगर मैं सोशल स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके मीनिंग और कंसेप्ट की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक स्टडी में स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप एटॉमिक साइंस में आप फिजिक्स में आप एटम्स की स्टडी, एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो। इन द केमिस्ट्री यू डू स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यू डू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी की स्टडी की जाती है। तो स्ट्रक्चर का मतलब है कुछ चीज़ों का संग्रह होना, कुछ चीज़ों का कलेक्टिव होना, कुछ चीज़ों का ऑर्गेनाइज्ड होना। तो हर एक साइंस में आप हर एक सब्जेक्ट में आप डिफरेंट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो। उसी प्रकार से सोसाइटी में हम स्टडी करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, हम स्टडी करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं सोशल स्ट्रक्चर की बात करूं तो सोशल का टर्म होता है, इसका सोशल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, कुछ भी ऐसा जो सोसाइटी से रिलेट करता हो, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी। और अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली एक तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आपने वर्ड सुना होगा। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है समथिंग ऑर्गेनाइज्ड। जब एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है, प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं स्ट्रक्चर, समथिंग समथिंग ऑर्गेनाइज्ड, समथिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखो सोशल स्ट्रक्चर दो चीज़ों से मिलकर बना है। मैं आपके पास अभी सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग लेकर आ रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जानी, फंक्शनलिज्म और सोशल स्ट्रक्चर के इकट्ठे टॉपिक की, फिर हमने सोशल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि स्ट्रक्चर तो हर एक स्टडी, हर एक साइंस में, हर एक सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, फिजियोलॉजी में भी है और सोशियोलॉजी में भी है। अब सोशियोलॉजी में हम आगे आ रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर की तरफ। तो सोशल का मतलब है सोसाइटी के रिगार्डिंग सोसाइटी से कुछ रिलेट करने वाला, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है समथिंग ऑर्गेनाइज्ड, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, समथिंग इन अरेंज वे, समथिंग इन अरेंज वे, इन अरेंज, अरेंज करना किसी चीज़ को, अरेंज्ड मैनर, समथिंग इन अरेंज्ड मैनर, समथिंग इन अरेंज्ड मैनर। तो व्हाट डज इट मीन कि सोशल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज समथिंग इन अरेंज्ड मैनर और समथिंग इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। व्हाट इज समथिंग? समथिंग इज बेसिकली द रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल। मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, सोशल स्ट्रक्चर से हमारा अभिप्राय द सोशल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी विद ईच अदर इन द सोसाइटी, इन द फॉर्म ऑफ रोल, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस। जब एक सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के अपने अपने रिलेशंस होते हैं, अपने अपने रोल होते हैं, अपने अपने स्टेटस होते हैं, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो ऐसे इस ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को हम लोग सोशल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। मेरे दोस्तों सोशल स्ट्रक्चर का कोई बड़ा मतलब नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है सोसाइटी में लोगों की आपस में इंटरेक्शन, सोसाइटी में लोगों का रोल, सोसाइटी में लोगों का स्टेटस, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन का काम, एसोसिएशन का काम। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं मेरे दोस्तों, तो सोसाइटी में आपको ह्यूमन बीइंग्स के बीच रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, आपको ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के मेंबर्स के बीच रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, उनके रोल्स देखने को मिलते हैं, उनके स्टेटसेस देखने को मिलते हैं, उनके आपको सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैरिज, जैसे कि किनशिप, जैसे कि फैमिली देखने को मिलती है, आपको एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, आपको सोसाइटी में नॉर्म्स देखने को मिलते हैं, सोसाइटी में वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, सोसाइटी में आपको कल्चर देखने को मिलता है। जब ये चीज़ें सारी इकट्ठी हो जाती हैं, जब ये चीज़ें सारी इकट्ठी आप लेकर बात करते हो तो इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम सोशल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर? लोगों का आपस में इंटरेक्शन। क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर? लोगों का आपस में रिलेशनशिप। क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर? सोसाइटी में पाए जाने वाले लोगों का एक दूसरे के प्रति रिलेशन। सोशल स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स विच एग्जिस्ट among the people of society in the form of their role, status and everything which does exist in the society. I hope आपको social structure का meaning समझ आ गया होगा। Generally social structure का मतलब क्या है? Simple भाषा में बोला जाए, society में जितने भी लोग हैं उन सभी के एक दूसरे के साथ relations हैं, और जब सभी लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ relations हैं, सभी लोगों के society में सभी लोगों के जो एक दूसरे के साथ relations हैं, तो इन रिलेशंस को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब ये रिलेशंस होते हैं तो इनको ही हम सोशल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। सोसाइटी में एक संगठित होना सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आइए कुछ एक डेफिनेशंस भी देख लेते हैं सोशल स्ट्रक्चर की। तो मेरे दोस्तों अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो रेडक्लिफ ब्राउन, रेड RADCLIFF, रेडक्लिफ मैं प्रोनाउंस करता हूँ, आप कुछ और भी प्रोनाउंस कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। रेडक्लिफ ब्राउन क्या बोलते हैं? Social structure is an arrangement of persons in institutionally controlled or defined relationships such as relationship of king and subject. क्या बोला हमारे रेडक्लिफ ने? रिलेशनशिप पे फोकस किया। रेडक्लिफ बोलते हैं कि जब व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, इट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ पर्संस इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप सच एज रिलेशनशिप ऑफ अ किंग विद द सब्जेक्ट्स मतलब जो किंग की प्रजा होती है। तो जैसे एक राजा का अपनी प्रजा के साथ रिलेशनशिप पाया जाता है, ये सोशल स्ट्रक्चर ही है, ये सोशल स्ट्रक्चर ही है। उसी तरह सोसाइटी में जब लोगों के आपस में रिलेशन पाए जाते हैं रोल के बेस पर, स्टेटस के बेस पर, सभी का अपना अपना रोल है, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सारे रोल मैं प्ले नहीं कर सकता, सारे रोल मुझे प्ले नहीं किए जा सकते मेरे द्वारा। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई सोल्जर है, सभी का अपना अपना रोल है, वैसे ही सभी का अपना अपना स्टेटस भी है। तो जब उन रोल और स्टेटस की वजह से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के रोल वाले व्यक्ति के साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा, मुझे टीचर से एजुकेशन लेनी है मैं टीचर के पास जाकर उनसे इंटरेक्ट करूंगा, मुझे दवाई लेनी है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे इंजीनियर की हेल्प की जरूरत है, मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है मैं इंजीनियर के पास जाकर उससे हेल्प लूँगा। तो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये रिलेशनशिप या तो रोल की वजह से बन रहे हैं या स्टेटस की वजह से बन रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं रिलेशनशिप्स को। आई होप आपको समझ आया होगा। मॉरिस गिन्सबर्ग, मॉरिस MORRIS, मॉरिस गिन्सबर्ग GINSBERG, ये क्या बोलते हैं? ही रिगार्ड्स द सोशल स्ट्रक्चर एज द कम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटीज। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या बता दिया? सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले सारे सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलकर जब हम इकट्ठा कर देते हैं उनको तो सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। इनके हिसाब से ये सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स भी हैं, इंस्टीट्यूशन भी हैं, एसोसिएशन भी हैं, कल्चर भी है, तो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा जब कर दो तो क्या बन जाता है? सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। मॉरिस गिन्सबर्ग के हिसाब से क्या बोलते हैं मॉरिस गिन्सबर्ग? द कम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटीज, जो सोसाइटीज को बनाते हैं वो सारे प्रिंसिपल, ग्रुप्स एंड सारे इंस्टीट्यूशन, वो सोशल स्ट्रक्चर है। आई होप आपकी डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी मेरे दोस्तों। सोशल स्ट्रक्चर में आपने बेसिकली रोल, स्टेटस, सोशल ग्रुप, सोशल नॉर्म्स, ये सारी चीज़ों का इकट्ठा समूह सोसाइटी में क्या कहलाता है? सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये आपने याद रखना है। आइए सोशल स्ट्रक्चर के नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले एलिमेंट्स को देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर की एलिमेंट्स क्या होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन सी चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट आएगा आपका सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मेरे दोस्तों एक सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सोशल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में फैमिली भी आ जाती है, एसोसिएशन भी आ जाते हैं, कोई फॉर्मेटिव ग्रुप है, कोई इनफॉर्मेटिव ग्रुप है, सारे ग्रुप इसमें आ जाते हैं, आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा मैं अगर आपको बात बताऊँ एलिमेंट की तो आप इसमें नॉर्म्स लिख सकते हो, सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के कल्चर, सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी में लोगों के रोल्स, सोसाइटी में लोगों के स्टेटसेस, सोसाइटी में जो है वो वैल्यूज, इसके अलावा सोसाइटी में जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी में एसोसिएशंस। These all are the elements of social structure। जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी में पाई जाती हैं, इन चीज़ों में लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शंस मेन वर्ड, सोशल इंटरेक्शंस मेन वर्ड। सोशल इंटरेक्शन तो होगी। ऑर्गेनाइजेशन में सोशल इंटरेक्शन होती है, इंस्टीट्यूशन बनते हैं, फैमिली, मैरिज, इन सब में लोगों के बीच इंटरेक्शन होती है, एसोसिएशन बनते हैं, पोलिटिकल पार्टीज, फ्लड रिलीफ एसोसिएशन, इनमें लोगों में इंटरेक्शन होती है आपस में, सोशल ग्रुप्स में भी होती है। नॉर्म्स सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन आते हैं इसके अंडर, और वो रूल्स रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरेक्शन को रेगुलेट करते हैं। अगर हम बात करें कल्चर की वजह से लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, रोल है सभी का, स्टेटस है सभी का, हम डिफरेंट रोल्स के पास जाकर इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेटसेस के पास जाकर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, और वैल्यूज के हिसाब से हम अपनी इंटरेक्शन को रेगुलेट करते हैं। दीज ऑल आर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड द सोशल स्ट्रक्चर इज बाउंडेड बाई ऑल दीज एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं नेचर की या करैक्टरिस्टिक्स की तो सबसे पहला आप पॉइंट ले सकते हो इसमें अब्स्ट्रैक्ट नेचर। अब्स्ट्रैक्ट नेचर मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जानना बहुत अनिवार्य है कि सोशल स्ट्रक्चर का जो नेचर है वो अब्स्ट्रैक्ट है। सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट अ कंक्रीट थिंग, ये चौक कंक्रीट है, आप टच कर सकते हो। हमारा ये ग्रीन बोर्ड ये एक कंक्रीट है, हम टच कर सकते हैं। पर सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? रिलेशनशिप्स अमंग द सोसाइटी, रिलेशनशिप्स अमंग द सोसाइटी ड्यू टू एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिवली सभी लोगों को इकट्ठा कर कर जो रिलेशनशिप पाए जाते हैं वही तो है हमारा सोशल स्ट्रक्चर। तो रिलेशनशिप को आप टच थोड़ा कर सकते, आप दिमाग में सोच सकते हो, आप फील नहीं जाके उसे फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते आप उसको, तो क्योंकि उसे टच नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट टच दैट थिंग, देयरफॉर वी कैन से सोशल स्ट्रक्चर इज अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड नॉट अ कंक्रीट इन नेचर। सेकेंड आप ले सकते हो यूनिवर्सल। मेरे दोस्तों सोशल स्ट्रक्चर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है, ये किसी एक सोसाइटी में पाया जाने वाला कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर हर उस सोसाइटी में पाया जाता है जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं। लोग तो सोसाइटी में होंगे ऑब्वियस सी बात है। मतलब बोलने का वेयर देयर इज सोसाइटी देयर वुड बी सोशल स्ट्रक्चर। एज सोशल स्ट्रक्चर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर इज बेसिकली रिलेशंस अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी इन द सेम मैनर, the social structure is universal। इन दिस मैनर सोशल स्ट्रक्चर यूनिवर्सल, जहां पे सोसाइटी होगी वहां पे सोशल स्ट्रक्चर होगा ही होगा। तीसरा डायनामिक। सोशल स्ट्रक्चर डायनामिक है, डायनामिक मतलब चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप्स लोगों के बीच चेंज हो रहे हैं, सेम नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सोशल स्ट्रक्चर में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, फैमिली, किनशिप, मैरिज, ये सारी चीज़ें, रोल, स्टेटस, ये सारी चीज़ें इकट्ठे होकर क्या बनाती हैं? सोशल स्ट्रक्चर। और ये सारी चीज़ें डायनामिक हैं। मैरिज का कंसेप्ट डायनामिक है, चेंज हो रहा है, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। कल्चर का कंसेप्ट डायनामिक है, एसोसिएशन का कंसेप्ट डायनामिक है, इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट डायनामिक है। अगर ये सारी चीज़ें डायनामिक हैं तो ये चीज़ें मिलकर सोशल स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो भी डायनामिक तो होगा। सोशल स्ट्रक्चर होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में चेंज आ रहे हैं, पहले रिलेशनशिप जो एक फैमिली के अंडर होते थे वैसे रिलेशनशिप अब नहीं पाए जाते, अब बड़ी फ्रैंक फैमिलीज पाई जाती हैं। पहले लोगों के रिलेशनशिप ऐसे होते थे कि जो गांव का मुखिया होता था उसके सामने कोई आता नहीं था, डरते थे गांव के मुखिया से, अब ऐसा नहीं होता, अब फ्रेंडली रिलेशनशिप है। पहले घर का जो मुखिया होता था, फादर जो होते थे, उसके सामने बच्चे जाते नहीं थे, जहाँ पे फादर बैठे हो वहाँ पे बच्चे कमरे में पहुँचते नहीं थे, अब वैसा नहीं, अब फादर और बच्चे जो उनकी भी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। डायनामिक हो रहा है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी में पाए जाने वाले रिलेशन को सोशल स्ट्रक्चर बोला जाता है, और ये रिलेशन लगातार चेंज हो रहे हैं, डायनामिक हो रहे हैं। दिस इज अदर फीचर, आप लिख सकते हो। फोर्थ, एंशिएंट। मेरे दोस्तों, सोशल स्ट्रक्चर कोई पुराना कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट है। सोसाइटी बहुत पुरानी है, ह्यूमन सोसाइटी में आप डिवाइन ओरिजिन थ्योरी पढ़ो, कितनी पुरानी सोसाइटी है, भगवान ने क्रिएट किया बोला जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ो, कितनी पुरानी सोसाइटी की थ्योरीज हैं, जब से सोसाइटी की थ्योरीज बनी है तब से सोसाइटी है। सोसाइटी कितनी पुरानी है, जब इंसान धरती पे आया तब से सोसाइटी है। सोसाइटी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग, एंड क्योंकि सोसाइटी बहुत ओल्ड है तो सोशल स्ट्रक्चर भी तो ओल्ड होगा। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, लोगों के बीच पाया जाने वाला रिलेशनशिप। आज लोगों के बीच रिलेशनशिप है, 20 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था, और बहुत हजार वर्ष वैदिक पीरियड में भी था। इसका मतलब सोशल स्ट्रक्चर एक एंशिएंट कंसेप्ट है, कोई आज या कल में बना हुआ नया कंसेप्ट नहीं है। आई होप आपको ये भी वीडियो, ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फिफ्थ, आप लिख सकते हो रोल, स्टेटस, एक्सेट्रा। सोशल स्ट्रक्चर में रोल, स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेपर में क्वेश्चन अगर सोशल स्टेटस का स्ट्रक्चर का आता है तो क्वेश्चन आपको घुमा के आ सकता है कि सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोल एंड स्टेटस, एक्सप्लेन। रोल एंड स्टेटस को आपने सोशल स्ट्रक्चर के साथ साथ लेकर चलना है। मेरी बात याद रखना, पेपर में अगर आपको सोशल स्ट्रक्चर का पता ना भी हो, रोल स्टेटस आता हो तो रोल स्टेटस को आप स्ट्रक्चर में डालकर थोड़ा सा बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोल एंड स्टेटस, ये दोनों कंसेप्ट सोशल स्ट्रक्चर में बहुत रेलिवेंट रोल प्ले करते हैं। रोल का मतलब होता है लोगों का अपना अपना रोल। लोगों के रोल अलग अलग होने की वजह से हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं। किसी का रोल टीचर का है, मुझे टीचर की जरूरत है, मैं टीचर से इंटरेक्ट करूंगा। किसी का रोल इंजीनियर का है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मैं इंजीनियर से इंटरेक्ट करूंगा। किसी का स्टेटस डॉक्टर का है, मैं उसके पास जाकर अपना इलाज करवाऊंगा, उससे इंटरेक्ट करूंगा। तो सोशल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन जो बनती है वो रोल एंड स्टेटस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आप ये भी इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर। एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन का सोशल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं सोसाइटी में, वहाँ लोगों के बीच रिलेशन पाए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या है, लोगों के द्वारा बनाया गया एक कंसेप्ट, बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोगों की नीड सेटिस्फाई करने के लिए जो बनाया जाता है। एसोसिएशन क्या है, लोगों का समूह, पर्पस के लिए बनाया जाता है। दोनों चीज़ों में क्या होगा, रिलेशंस तो होंगे। फैमिली है इंस्टीट्यूशन, फैमिली प्राइमरी ग्रुप है, लोगों के बीच रिलेशनशिप पाए जाते हैं। एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज है, आपस में दूसरे इंटरेक्ट किया जाता है। अर्थात सोशल स्ट्रक्चर का क्लोजली कनेक्ट एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन से भी है। इसके अलावा आप लिख सकते हो सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, किसमें, सोशल स्ट्रक्चर में। सोशल ग्रुप्स क्या होता है, इट्स ग्रुप्स ऑफ टू और मोर देन टू इंडिविजुअल, व्हेन दे कम टुगेदर दे ऑर्गेनाइज समथिंग, दिस इज सोशल ग्रुप। एंड सोशल ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। सोशल ग्रुप्स में लोग इंटरेक्ट करते हैं, सोशल ग्रुप्स के अंदर मेंबर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और इसी को हम सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई होप मेरे दोस्तों आपको सोशल स्ट्रक्चर ईजी लग रहा होगा। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ रिलेशंस, बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ रिलेशंस। मेरे दोस्तों, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है रिलेशंस के नेटवर्क पर। रिलेशन का मतलब जो लोगों के बीच रिलेशन होता है, संबंध होता है, आपस में एक दूसरे के साथ जो बातचीत की जाती है, तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो रिलेशंस के ऊपर तो बेस करता है। सोशल स्ट्रक्चर है क्या, लोगों का रिलेशनशिप ही तो है। तो ये फीचर भी आप लिख सकते हो इसमें कि सोशल स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ रिलेशन। मेरे दोस्तों अगर वीडियो समझ आ रही हो लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें। अगर नहीं किया मेरे चैनल को अभी लाइक, तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सपोर्ट मुझे दें। इसके अलावा आप एक और पॉइंट ये लिख सकते हो कि नाइन्थ पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाइन्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो सोशल स्ट्रक्चर इज सोशल बाय नेचर, सोशल बाय नेचर। मेरे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली बीइंग स्टडीड इन द सोशोलॉजी, स्ट्रक्चर इज आल्सो बीइंग स्टडीड इन द फिजिक्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इट इज स्टडीड इन द chemistry in the form of structure of molecules, it is studied in the physiology anatomy in the form of structure of organism। तो सोशोलॉजी में स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा जाता है, स्ट्रक्चर हर एक सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर मैं सोशल स्ट्रक्चर की बात करूं, सोशोलॉजी के स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी मेन फीचर ये है, ये सोशल है बाय नेचर के। सोशल का मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी से लिंक करता है। सोसाइटी में पाए जाने वाले रिलेशन को सोशल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको ये नो की नो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आई होंगी, नेचर समझ आया होगा। अभी डिस्कस करते हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। मेरे दोस्तों अगर मैं फंक्शनलिज्म की बात करूं, इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है वो सोशल स्ट्रक्चर है। मैं आपको फंक्शनलिज्म के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन ये दोनों कंसेप्ट एक साथ चलते हैं। एक ही स्टडी के लिए हमें दूसरे को स्टडी करना पड़ता है। फंक्शनलिज्म क्या है मेरे दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया शुरू में कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी दी थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था कि जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग के हाथ हैं, सर है, दिमाग है, दिल है, टांगे हैं, और ये सारे जो अंग हैं बॉडी के, इनके अपने अपने काम हैं। उसी तरह से सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, सोसाइटी में रिलीजन पाया जाता है, स्टेट पाया जाता है, फैमिली पाई जाती है, मैरिज पाई जाती है, रोल पाए जाते हैं, स्टेटस पाए जाते हैं, एसोसिएशन पाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं, कल्चर पाया जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर सोशल स्ट्रक्चर बनाती हैं, सोसाइटी को बना देती हैं। और इन सभी चीज़ों का भी अपना अपना फंक्शन है। फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट यही बोलता है, फंक्शनलिज्म की थ्योरी यही बोलती है कि जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, एज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी दे डू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, इन द सेम मैनर इफ वी गो थ्रू सोसाइटी, सोसाइटी हैज मैनी इंटररिलेटेड पार्ट्स लाइक एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, एंड ऑल दीज पार्ट्स हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द सोसाइटी। दिस इज अबाउट द फंक्शनलिज्म। मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को अपनी सपोर्ट जरूर दें, मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।